किन्नौर और रामपुर में 24 घंटे के भीतर 28 आईटीबीपी जवानों को कोरोना पॉजिटिव आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। शिमला जिला के ज्यूरी में एसजेबीएन के ज्यूरी स्थित परिसर में क्वारंटीन किए गए 6 आईटीबीपी जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले दिनों लद्दाख के गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद किन्नौर के तिब्बत सीमा के साथ आईटीबीपी को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों से लौट रहे जवान कोरोना वाहक का काम कर रहे हैं। जंग में आईटीबीपी के 17 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले। कुल 59 जवानों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें कुछ के सैंपल आने बाकी हैं। इसी तरह शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के ज्यूरी में 43वीं आईटीबीपी बटालियन के 6 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी जवान छुट्टियां काटकर अपनी बटालियन में आए थे। इन सभी जवानों को एसजेबीएनएल के ज्यूरी संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। किन्नौर जिले के पीओ में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। वहीं जिले के जंगी में 17 जवान कोरोना संक्रमित निकले हैं। ये सभी जवान जम्मू से आईटीबीपी की अपनी गाड़ी में जंगी पहुंचे थे। सभी लोग क्वारंटीन में रखे गए थे, इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना कम जताई जा रही है। इस घटना को देखते हुए आईटीबीपी का जंगी परिसर को सील कर दिया गया है, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड न हो सके। शिमला जिला के ज्यूरी में भी सतर्कता बरती जा रही है। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि ज्यूरी में 6 आईटीबीपी के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए, उन्हें कोविड केयर सेंटर मशोबरा भेजा गया। उन्होंने बताया कि ज्यूरी व्यापारियों से भी बैठक की गई। आईटीबीपी के जवान छुट्टी से लगातार आ रहे हैं और फॉरवर्ड पोस्टिंग में जाना है, इसलिए आईटीबीपी को निर्देश दिए गए हैं कि दिन में ज्यूरी के बजाय मंगलाड़ नामक स्थान में उनके लिए रिसेप्शन सेंटर स्थापित करें, ताकि लोगों को संक्रमण का भय ना रहे। जैसा कि आपने बताया, ये खबर पुख्ता है, इसकी हम पुष्टि करते हैं कि 6 जवान आईटीबीपी के पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके हमने कल सैंपल लिए थे और इनमें से ये 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनको कोविड केयर सेंटर मशोबरा के लिए भेजा जा चुका है, तो अब ये आगे नेगेटिव आने तक उनका जो ट्रीटमेंट है वहीं जारी रहेगा। जहाँ तक यहाँ ज्यूरी की बात है, वहाँ पर हमने थोड़ा सा आज बाजार वालों के साथ भी मीटिंग की और इनके जो सीईओ है आईटीबीपी के 43 बटालियन के, उनके साथ भी बातचीत की है। तो उनका जो वहाँ रिसेप्शन सेंटर वगैरह है, उसको हम वहाँ सो दैट कि जो इनके छुट्टी से जवान वापस आ रहे हैं, इन्होंने आगे फॉरवर्ड पोस्टिंग पर जाना है, उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था हमने की कि इनको जो रिसेप्शन सेंटर है उसको कहीं खुली जगह पे लगाया जाए, ताकि पब्लिक के बीच में जो है पब्लिक के इंट्रैक्शन का चांस कम हो जाए। तो ये जो मंगलाड़ खड़े है, यहाँ पर हमने इनको जगह दिखाई है कि दिन के समय यहाँ पर रिसेप्शन सेंटर लगाया जाए और रात के समय आप वहीं पर लगा सकते हैं जब वहाँ पब्लिक कम हो जाती है। तो उस पर सीईओ साहब से बात हुई है। बाज़ार वालों के लिए हमने डायरेक्शन दी है कि थोड़ा सा वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो बाज़ार में जो जिस तरह से परचेजिंग वगैरह होती है, उसके लिए हमने थोड़े से अंकुश लगाए हैं। तो सारी वहाँ रस्सियाँ वगैरह बैरिकेड लगा के एक एक करके वहाँ सब्जियों को खरीदने का या अन्य जो राशन वाला कोई भी चीज़ें हैं उसको खरीदने का प्रावधान किया है, वो हमने डायरेक्शन दे दी है।